दोस्तों ऋषभ पंत की शानदार पारी का बदौलत यह बोलेंड पार्क में शुक्रवार को खेले जा रहे दूसरे मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 288 रनों का लक्ष्य दिया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 287 रन बनाए। कप्तान केएल राहुल और पंत के भी 11 गेंद में 115 रन के साथ हुई। साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा विकेट तवरेज शमसी ने 2 विकेट झटकाए। वही एंडलो फिलकिया, वेडन मार्करम, केशव मौर्य, सिजांडा मांगला ने 1 विकेट अपने नाम किया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम अच्छी शुरुआत होने के बावजूद 2 विकेट जल्दी गिर गए, क्योंकि सलामी बल्लेबाज कप्तान राहुल और शिखर धवन के बेहतरीन शुरुआत करते हुए 70 गेंदों में 63 रनों की साझेदारी की, लेकिन मार्करम की गेंदों पर धवन 29 रन पर रही। दोस्तों इसके बाद से आए विराट कोहली भी बिना खाता खोले महाराज की गेंद पर टीम अबू को कैच दे बैठते, जिसके बाद से भारत का स्कोर 93 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन हो गया। चौथे नंबर पर आए ऋषभ पंत, कप्तान राहुल के साथ मिलकर भारत के स्कोर 20 ओवर में 100 के पार पहुंचे। इसके बीच पंत ने गति से रन जोड़े, 43 गेंदों में अपना 14 शतक पूरा किया। बीच के ओवर में कप्तान राहुल और पंत अफ्रीका गेंदबाज पर हवाई नजर आ रहे थे, जबकि जानेमल मनन ने 27 ओवर में कप्तान राहुल का दूसरा कैच छोड़ दिया। इसके बाद से कप्तान राहुल ने भी अपना 10वां शतक पूरा किया, जिसके 29वें ओवर के बाद से भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 117 रन पहुंच गया। दोनों के बीच अब तक 103 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। लंबी होती इस साझेदारी को सिजांडा मांगला ने तोड़ा, जबकि राहुल 55 को दूसन के हाथों में कैच आउट कराया। कुछ देर बाद पंत भी 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 85 रन बनाकर शमसी गेंद पर पवेलियन लौट गए। इस समय तक भारत का स्कोर 32.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 183 रन हो चुका है। तो पांचवें और छठे नंबर पर श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर टीम के लिए 24 रन जोड़े, जिसके बाद श्रेयस अय्यर 11 रन बनाकर शमसी गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। सातवें स्थान पर आए शार्दुल ठाकुर ने वेंकटेश के साथ मिलकर टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए। दोनों ने मिलकर 42 गेंदों में 32 रनों की साझेदारी की और वेंकटेश ने 22 रन बनाकर आउट हो गए। इस समय तक भारत का स्कोर 44 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 239 रन था। आठवें नंबर पर रविचंद्र अश्विन ने शार्दुल ठाकुर के साथ दिया। आखिर ने कुछ ओवर में दोनों ने मिलकर टीम के लिए अहम रन बनाए। इस दौरान दोनों का खराब गेंदों में बाउंड्री तक पहुंचाने में सफल है, जिससे भारत को 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 287 रन बना पाए। शार्दुल 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 40 रन और अश्विन 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रन बनाकर नवाज रहे। दोनों के बीच 38 गेंदों में 48 रन की साझेदारी हुई। अब साउथ अफ्रीका जीतने के लिए 288 रन की दरकार। दोस्तों जिसको हासिल करने होती साउथ अफ्रीका सलामी बल्लेबाज जाने मलन और क्यूटन डीकॉक ने ताबड़तोड़ शुरुआत कर बिना किसी नुकसान पर 100 रन की साझेदारी कर डाली। ऐसे मुश्किल परिस्थितियों से एक बार फिर भारतीय टीम को शार्दुल ठाकुर नहीं करा और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके क्यूटन डीकॉक को आउट करते हुए पार्टनरशिप बंद किया। साउथ अफ्रीका सलामी बल्लेबाज ने टीम को टारगेट तरह मजबूत शुरुआत दिलाई थी। टीम के लिए एक तरफ से जाने मलन काफी सोच समझ कर बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे, तो वही दूसरे तरफ से डीकॉक का बल्ला लगातार ही भारतीय गेंदबाजों की धुलाई कर रहा था। ऐसे में भारतीय टीम के लिए शार्दुल ठाकुर ने ही पहला विकेट निकाला और डीकॉक को पवेलियन की तरफ से रास्ता दिया। साउथ अफ्रीका पारी के दौरान 22 ओवर की आखिरी बॉल पर शार्दुल ने तेज तरह बॉल फेंकी। ये बॉल सीधा डीकॉक के पैड पे जाकर लगी, जिस पर विकेटों के पीछे ऋषभ पंत ने काफी जोर से अपील की, लेकिन इसके बावजूद एम्पायर ने डीकॉक को नॉट आउट करार दिया। एम्पायर के इस फैसले को तुरंत ही भारतीय टीम की तरफ से चैलेंज किया गया और स्क्रीन पर रिप्ले से साफ हो गया कि क्विंटन डीकॉक आउट थे। बता दें कि साउथ अफ्रीका टीम के लिए डीकॉक ने 66 बॉल पर 7 और 4 छक्के 3 छक्कों की मदद से 68 रन जोड़ दिए। वही दोस्तों डीकॉक के अलावा जानेमन मलान ने 91 रन की पारी खेली। खबर लीके जाने तक साउथ अफ्रीका की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से मुकाबला जीत चुकी थी। दोस्तों आपको 37-37 रन रिसीवर एडिशन और मार्करम ने बता दें भारतीय बॉलर्स कोई भी बॉलर अपने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और जिसकी वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले को हार गई। इस मुकाबले को नहीं दोस्तों पूरी सीरीज को ही हार गई। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज को भी हार चुकी थी। दोस्तों आपको बता दें इस मुकाबले में कोई भी प्लेयर अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से हार गई। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने दोनों सीरीज को आसानी से जीत हासिल कर ली। दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम में किस किस प्लेयर की कमी खिली और किस प्लेयर की वजह से यह टीम इंडिया सीरीज आ रही? दोस्तों अपना रिकमेंड जरूर दे और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।